मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेके एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, या फिर आप इसको एक आवश्यक सूचना मान लीजिए। तो देखिए, एक आवश्यक सूचना आप लोग के लिए निकल के सामने आ रही है, और ये जो है मुख्यमंत्री, जो हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन जी है, उनके द्वारा ये अत्यंत जो आवश्यक सूचना है, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है, वो जारी किया गया है। क्योंकि इसको लेके बहुत सारे भ्रांतियाँ फैल गई है सोशल मीडिया में भी, उसी को लेके ये आपका एक आवश्यक सूचना है। और इसमें आपको जो है आपका जो आपका ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको लेके भी एक सूचना है। तो चलिए देखते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो है क्या है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो ज़रूर से पूरा वीडियो को देखें। आपको एक एक करके यहाँ पे समझाएंगे कि क्या है ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना और क्यों इसको हेमंत सोरेन को ये सूचना जारी करना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाते हैं, सबसे ऊपर में देखिए क्या कहा गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में सूचना आ रही है कि कई लाभुकों के मोबाइल नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। यानी कि देखिए, बहुत सारे महिलाओं को इस उनका जो नंबर दिया गया है मैया सम्मान योजना में, जो उनका नंबर रजिस्टर किया गया है, उसी नंबर पे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और ये जो है फर्जी कॉल आ रहे हैं, यानी कि साइबर क्राइम के द्वारा ये फ़ोन किया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका ये नोटिस है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, इसके लिए आगे कह रहा है फिर कि योजना के तहत निबंधित बहन बेटियों से आग्रह है कि योजना के संबंध में या राशि हस्तांतरण से संबंधित कॉल आने पर OTP या अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी कॉल करने वाले के साथ साझा न करें। यानी कि देखिए, साइबर फ्रॉड वाले क्या कर रहे हैं, इसमें आपका जो कॉल कर रहे हैं आपको, और आपसे जो है बैंक का OTP मांगा जा रहा है, यानी कि आपके मोबाइल पे जो OTP आ रहा है, अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा हुआ है और आधार कार्ड में भी आपका नंबर जुड़ा हुआ है, तो आपके आपके पास वो अपना OTP मांग रहा है, कुछ मैसेज भेज रहा है आपको और OTP मांग रहा है। तो OTP यहाँ पे आप लोग को नहीं देने के लिए कहा गया। अगर आप OTP दे देते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, आपके साथ बैंक फ्रॉड हो सकता है, आपका खाता से पैसा भी निकासी हो सकता। तो उसके बाद देखिए और आगे क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है कि ये जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है। कई लोग मैसेज या कॉल बैंक फेक कॉल करके फ्रॉड कर रहे हैं। SMS, WhatsApp, मेल या टेलीग्राम के जरिए भी मैसेज आ सकते हैं, इसलिए आप सभी से आग्रह है सावधान रहें। तो देखिए, इसके बाद कह रहा है कि ये जो है ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी के लिए आप लोग जो है, आप लोग को यहाँ पे बैंक के माध्यम से, हम लोग बैंक से बोल रहे हैं, बोलेगा, फ़ोन करेगा आपको साइबर क्राइम वाला, या फिर आपको SMS आएगा, या फिर WhatsApp आएगा, या फिर मेल आएगा, या फिर टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया जाएगा, और उसमें कुछ लिंक दिया जाएगा आपको कि बोलेगा अगर आप मैया सम्मान योजना फॉर्म भरे हैं तो आप अपना जो बैलेंस है कैसे चेक करें, इस लिंक पे क्लिक करें, या फिर आपका पैसा आया कि नहीं वो देखने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें, ऐसे करके आपको लिंक भेजा जाएगा। तो उस लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, और यहाँ पे कोई भी आपका कॉल जो आए इस रिलेटेड कि आपका पैसा आ जाएगा, इसके लिए आप ये OTP बोलिए, वो बोलिए, तो ये सब आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए, हमारे जो ग्राम जो क्षेत्र है, उनके ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी महिले हैं, उतने उनको जानकारी नहीं रहता ये ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, और डिजिटली उन लोग इतना साक्षर नहीं रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉड होने के ज़्यादा संभावना है, इसीलिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास के परिचितों रिश्तेदारों तक भी ये जानकारी ज़रूर साझा करें। तो देखिए, ये जानकारी अगर आप लोग जान गए तो ये वीडियो जो है, अब आप लोग सारे अपने जो रिश्तेदार है, आप जितने भी आपका मेंबर है या फिर आपके जो भी चिन्ह परिचित हैं, उनको भी ये वीडियो आप लोग भेज दीजिए, ताकि अगर उनको भी ये कॉल आए, उनको भी ये मैसेज आए, तो वो लोग कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें, और कोई भी कॉल आए तो उसको अपना बैंक का जो OTP आए, या फिर आधार कार्ड का OTP आए, या फिर मोबाइल पर कोई भी OTP आए, तो आप उनको ना बताएं, और कोई लिंक भेजा जा रहा आपको, आपका WhatsApp पे आपको कॉल किया जा रहा, आपका मैसेज भेजा जा रहा, कोई लिंक भेजा जा रहा है, तो आप लोग उस पर क्लिक ना करें और आप लोग सतर्क रहे। इसके लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा कह रहा है कि आप लोग इस जो सूचना है, इस सूचना को सभी को शेयर करें और सभी को जागरूक करें, ताकि वो लोग भी इस फ्रॉड से बचे और आप भी इस फ्रॉड से बचे। तो जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इसको फटाफट शेयर कर दीजिए, अपने सारे जितने भी चिन्ह परिचित लोग हैं, या फिर आसपास के लोग हैं जिनके पास भी आपका मोबाइल नंबर है, सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के और सचेत हो जाएं,
अवेयर हो जाएं और उनको भी यहाँ पे जो साइबर क्राइम का फ्रॉड से वो लोग भी बच सकें। तो ये मुख्यमंत्री का जो सूचना था ये आप तक हम पहुँचाएँ। और अगर इस तरह से कोई भी कॉल आपके पास आ रहे हैं, अगर आया भी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें कि सर मेरे पास भी इस तरह से कॉल आया था या फिर आ रहा है या फिर हम मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुआ है। तो अगर आप लोग का कोई इस तरह से कॉल आया है, मैसेज आया है या फिर लिंक आया है तो आप लोग ज़रूर से इस कमेंट बॉक्स में जाके बताएं ताकि और भी लोगों को हम इसके विषय में जागरूक कर सकें। और आप लोग भी सभी को इस वीडियो को शेयर करके सभी को जागरूक कर दें ताकि हेमंत सोरेन का जो है मकसद है वो पूरा हो सके और आप लोग जो भी जितने भी माते बहनें हैं हमारे उनको यहाँ पर साइबर क्राइम से बचाया जा सके। क्योंकि देखिए ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और एक बार फ्रॉड होने के बाद आपके साथ यहाँ पे आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है और यहाँ पे बहुत सारे झंझट हो जाता है और आपको यहाँ पे थाना दौड़ना पड़ता है, केस करना पड़ता है, बहुत सारे समस्या हो जाता है। और जितने भी गांव देहात के महिला होते हैं, बहने होते हैं, उन लोग को ये इतने सारे जो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पता नहीं है, उनको जो टेक्निकल फ़ोन में इतने सारे ऑप्शन रहते हैं उनके बारे में पता नहीं रहता है। तो आप लोग बहुत मतलब इसको शेयर कीजिएगा तो उन लोग को भी इससे फ़ायदा मिलेगा और उन लोग इससे जो फ्रॉड होने के चांस है उससे बच जाएंगे। तो चलिए आप लोग शेयर कर दिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी कोई अपडेट आएगा तो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और देखिए अभी 31 तारीख तक पैसा देने का बात है, अगर उसके पहले कोई अपडेट आता तो आपको वो भी बताएंगे कि कब तक आपको पैसा मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें और भी अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।